students, welcome to Techno Herald Online. Today in this session we will discuss about networks theorem. Under this topic we will discuss about active and passive element, unilateral and bilateral element, time variant and time invariant element. So let's start our lecture. So अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि हमारा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट. ठीक है, सो हेडिंग डाल लो एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट. सेकेंड नंबर क्लासिफिकेशन, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट. ठीक है, सो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट. सो इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. डेफिनेशन है, इफ an element delivers net amount of power to the circuit. ठीक है, circuit, then that element is active element. ठीक है, otherwise passive element. ठीक है, so समझते हैं कि क्या active element है. मान लो कि एक सर्किट लेते हैं. ठीक है, एक सर्किट मैं ले रहा हूँ जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इसमें एक रेसिस्टर लगा हुआ है. ठीक है, और इसको कर दिया कनेक्ट. ओके, तो ये रेसिस्टर है, इसमें से करंट फ्लो करेगा आई, तो यहाँ पे साइन होगा प्लस, यहाँ माइनस. क्यों? क्योंकि ये पावर एब्जॉर्ब करता है, प्लस मीटर करेगा करंट, और ये है वोल्टेज. सो कहता है डेफिनेशन कि एक ऐसा एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो डिलीवर करेगा नेट अमाउंट ऑफ पावर टू द सर्किट. सो एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास चार्ज बहुत ज्यादा इकट्ठा है, यानी उसके पास पावर है, एनर्जी है. अगर वो एनर्जी, वो पावर सर्किट में किसी एलिमेंट को डिलीवर कर रहा है, तो जिसने डिलीवर किया, जिसने पावर को डिलीवर किया, वो कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट. और उस पावर को जिसने रिसीव किया, जिस मान लो कि अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, मान लो कि कोई उधार मांग रहा है, तो मैं पैसे दे रहा हूँ, तो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, डैट मीन्स मैं कहलाऊंगा एक्टिव. और उस पैसे को जिसने लिया उधार, तो वो कहलाएगा आपका पैसिव. ठीक है, तो जो पावर दे रहा है, डिलीवर कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एक्टिव एलिमेंट. और जो उस पावर को ले रहा है, डैट मीन्स वो कहलाएगा पैसिव एलिमेंट. सो इसका मतलब ये आपको समझना है कि जहाँ कहीं भी एक्टिव एलिमेंट की बात हो, मतलब वो एक्टिव एलिमेंट पावर को डिलीवर करेगा. सो पावर डिलीवर करेगा, तो जो कोई भी पावर डिलीवर करता है, डैट मीन्स उसको आपको क्या बोलना कि वो एक्टिव एलिमेंट है. और पैसिव एलिमेंट किसको बोलेंगे भाई? तो पैसिव एलिमेंट उसको बोलेंगे जो उस पावर को, जो एक्टिव पावर ने दिया, जो एलिमेंट ने एक्टिव पावर दिया, उस पावर को किसी ने रिसीव किया. तो जो रिसीव कर रहा है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट. ठीक है, सो पावर एब्जॉर्ब. अब इस सर्किट को देखो, और इस सर्किट को देख के बताओ कि पावर दे कौन रहा है और ले कौन रहा है. सो पावर देगा वोल्टेज सोर्स, है ना, पावर देगा वोल्टेज सोर्स, डैट मीन्स ये करेगा डिलीवर. ठीक है, डैट मीन्स ये पावर डिलीवर कर रहा है, यानी वो कैसा एलिमेंट है? एक्टिव एलिमेंट है भाई, नेट अमाउंट ऑफ पावर ये डिलीवर कर रहा है टू द सर्किट. तो सर्किट में कौन है भाई इस पावर को लेने वाला? तो ये पावर लेने वाला है रेसिस्टर. ठीक है, तो रेसिस्टर पावर को ले रहा है. ठीक है, सो दे रहा है जो एक्टिव, और जो ले रहा है वो पैसिव, यानी ये पावर कर रहा है एब्जॉर्ब. क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब. डैट मीन्स ये जो रेसिस्टर है ना, ये पैसिव एलिमेंट है. समझ में आ गई बात? ठीक है, सो अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट में कौन कौन आता है? सो एक्टिव एलिमेंट में कौन कौन आता है?
पैसिव एलिमेंट में कौन कौन आता है? तो एक्टिव एलिमेंट वही जो पावर को करे डिलीवर। तो पावर को डिलीवर कौन करता है? करेंट सोर्स, करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ठीक है, या फिर बैटरी बोल लो, उसके पास भी पावर होता है ना। ओके, पैसिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट जो पावर को एब्जॉर्ब करे। तो ये तो आप शुरू में पढ़ लियो कि एक तो रेसिस्टर, दूसरा इंडक्टर है ना, और तीसरा कैपेसिटर, ये सभी पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो आर कॉमा एल कॉमा सी, ये सब पावर को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। चलो ये समझ लिया। अब एक बात, जो पावर को दे रहा है यानी डिलीवर कर रहा है वो एक्टिव, और जो उसी पावर को ले रहा है वो कहलाएगा पैसिव, डेट मीन्स वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बात तो समझ में आ गया। पर मान लो कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म में दिया रहे हैं। जैसे मान लो कि आपको एक ग्राफ मिला, ठीक है, ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है, और ऐसा ग्राफ आपको मिला, ये आपका वोल्टेज है दिया हुआ और ये करंट का ग्राफ है, ठीक है। अब इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के आपको बताना है कि ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। अब बताओ कैसे बताओगे? आपको तो सिर्फ इतना ही पता है कि एक्टिव उसी को बोलेंगे जो पावर को डिलीवर करेगा, मतलब करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, बैटरी, ये सब, ठीक है। और पैसिव एलिमेंट उसी को बोलेंगे जो जो रेसिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर है, यानी कि जो पावर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बट इस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे देख के हम बताएंगे? तो इसको बताने का एक तरीका है, जब भी एक्टिव की बात हो, यहाँ पर लिख लो, जब एक्टिव की बात हो या फिर पैसिव की बात हो, है ना, कि ये जो ग्राफ है ये एक्टिव है या पैसिव है, तो ये चीज़ बताने की बात हो ना, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आपको चेक करना है स्लोप। क्या देखना है? स्लोप। सो पैसिव एलिमेंट वही एलिमेंट होगा जिसका स्लोप होगा पॉजिटिव, और एक्टिव एलिमेंट वही होगा जिसका स्लोप होगा निगेटिव। सो इसका मतलब कि पैसिव मतलब पॉजिटिव स्लोप और एक्टिव मतलब निगेटिव स्लोप। सो पैसिव पी से है और पॉजिटिव भी पी से है। सो अगर आपको याद रखना है हमेशा के लिए, तो जब आपसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कैसा ग्राफ है, मतलब एक्टिव है या पैसिव एलिमेंट इसमें लगा हुआ है, तो आपको स्लोप के बारे में ध्यान देना है, और पी से पैसिव और पी से पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। सो अगर स्लोप इसका पॉजिटिव है तो पैसिव एलिमेंट, अगर इसका स्लोप निगेटिव है तो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। सो पी से पैसिव, पी से पॉजिटिव, पी से पॉजिटिव, पी से पैसिव, ठीक है। सो स्लोप चेक करो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब स्लोप कैसे निकाले? तो स्लोप तो आपको पता ही है ना कि डी वाई बाई डी एक्स होता है स्लोप, यानी कि स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा, जो कि होता है पी बटा बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब परपेंडिकुलर कौन है? डी वाई कौन है? ये वोल्टेज, और डी एक्स कौन है? करंट। सो डी वी बाई डी आई। सो अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालोगे, तो अगर उसका स्लोप पॉजिटिव आता है, वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो वो स्लोप पॉजिटिव हो गया, और अगर दोनों का रेशियो, वोल्टेज और करंट का रेशियो निगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में स्लोप निगेटिव हो जाएगा। अब बताओ, वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वोल्टेज अपॉन पॉजिटिव करंट इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। मान लो ये ग्राफ ऐसे होता, तो पॉजिटिव वोल्टेज बट निगेटिव करंट, है ना। सो पॉजिटिव वोल्टेज अपॉन निगेटिव करंट, दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू मिलता, और यहाँ पर निगेटिव करंट, निगेटिव, अगर मान लो ये ग्राफ नीचे इसमें रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ रहता, तो निगेटिव करंट निगेटिव वोल्टेज, यानी कि निगेटिव वोल्टेज अपॉन निगेटिव करंट, निगेटिव निगेटिव हो गया कैंसिल, डैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आया टेन थीटा का। सो इसका मतलब स्लोप आया पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा? वोल्टेज अपॉन करंट, वोल्टेज है निगेटिव, करंट है पॉजिटिव, यानी ये भी स्लोप जो होगा वो निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ना स्लोप की बात हो, आप ये सब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे 11th 12th में, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे
जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा मतलब स्लोप, तो यहाँ पे जो स्लोप होता है ये होता है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज अपॉन पॉजिटिव करंट, ठीक है ना। यहाँ पे स्लोप क्या होता है, यहाँ पे होता है निगेटिव स्लोप, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप और यहाँ पे निगेटिव स्लोप। सो अगर ऐसा होता है तो आप इजीली बता सकते हो अब कि इस कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज अपन पॉजिटिव करें, ठीक है। सो आपको जब कभी भी वी आई कैरेक्टरिस्टिक दिया हो रहे और आपसे पूछे कि बताओ एक्टिव या पैसिव एलिमेंट है, तो आपको बताना पड़ेगा कैसे, स्लोप निकाल के, स्लोप पॉजिटिव तो पैसिव और स्लोप निगेटिव तो एक्टिव, ठीक है। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो, ये ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो भले ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ हो चाहे यहाँ हो, मान लो यहाँ है या फिर यहाँ है, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के पहले होना चाहिए, जीरो से लेके 90 तक, है ना। सो अगर स्लोप 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है क्या स्लोप, ठीक है, तो होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, डैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, डैट मीन्स ये पैसिव एलिमेंट है, सो ये कहलाएगा पैसिव। अच्छा आपसे पूछे कि लीनियर है या नॉन लीनियर, जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो है बट ऑरिजिन से ऑल टाइम के लिए पास नहीं कर रहा, सो इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये नॉन लीनियर है, बट फिर भी चलो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट हम सिर्फ एक्टिव पैसिव की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये होगा क्या पैसिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ऐसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है पूरा, ठीक है, तो क्या ये पैसिव है, क्या ये एक्टिव है, क्या ये है? तो आपको ये बताना है, तो कैसे बताओगे, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप, 90 डिग्री से कम है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव स्लोप, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चेक करते हैं, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा और 270 डिग्री से कम। देखो पॉजिटिव स्लोप कहने का मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल हो, ठीक है, स्लोप, और 270 डिग्री से कम, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा, और ये 0 डिग्री से ज़्यादा बट 90 डिग्री से कम, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। बाकी कंडीशन में यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में अगर स्लोप है तो वो कहलाएगा नेगेटिव स्लोप, और 270 से लेकर 360 के बीच में एंगल है तो ये कहलाएगा नेगेटिव स्लोप, है ना, बहुत ही बेसिक चीज़ है स्लोप के बारे में। चलो तो यहाँ पर देखो कि 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो ये भी जो स्लोप आ रहा है ये एंगल, ये 180 प्लस से लेके 270 के नीचे है, 180 से ऊपर है बट 270 से नीचे है, दैट मीन्स पॉजिटिव स्लोप। सो इसका भी स्लोप पॉजिटिव, इसका भी स्लोप पॉजिटिव, सो ओवरऑल स्लोप पॉजिटिव। देखो कहीं से भी निकालोगे स्लोप जो है उतना ही आएगा, मान लो यहाँ से निकाल लो तो यहाँ भी स्लोप तो वही आ रहा है ना, तो स्लोप सेम है, तो आप जरूरी नहीं कि आप इसका निकालो इसका अलग से निकालो, आपको समझना है स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्लोप फिक्स रहेगा, जितना स्लोप से है उतना ही स्लोप से हमेशा हर पॉइंट पे रहेगा। सो पॉजिटिव स्लोप है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, सो पॉजिटिव स्लोप है, दैट मीन्स तो ये क्या कहलाएगा पैसिव, क्योंकि पी से पॉजिटिव तो पी से पैसिव इसका एलिमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट अगर ये आपका आई है, ये वी है, ठीक है, अब मैंने कर दिया ऐसा, ठीक है, सो ये बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो एक बात बताओ इसका स्लोप कितना डिग्री है, 0 डिग्री है ना, और इसका स्लोप कितना है, कुछ होगा एंगल बट 90 से कम ही है ना, 0 से ज़्यादा बट 90 से कम है, सो ओवरऑल स्लोप दे रहा है पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव डैट मीन्स एलिमेंट है ये पैसिव, सो ये हो जाएगा पैसिव, ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट है। और भी एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट करो, फिर और एग्जांपल देखते हैं, मिटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ओके बहुत ही आसान है, जब भी ऑब्जेक्टिव में अगर एलिमेंट दे दें, मतलब रेसिस्टर पूछे कि रेसिस्टर बताओ एक्टिव है कि पैसिव, तो रेसिस्टर पावर एब्जॉर्ब करता है, डैट मीन्स पैसिव एलिमेंट। अगर पूछे कि वोल्टेज बताओ क्या है, तो भाई वो पावर डिलीवर करता है, मतलब
वो एक्टिव एलिमेंट है, बट अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप स्लोप निकालोगे। स्लोप अगर पॉजिटिव आया पूरे ग्राफ का, ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे नेगेटिव आ गया तो वो पैसिव एलिमेंट होगा, नहीं, हर जगह हर पॉइंट पे उसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर हर पॉइंट पे इसका स्लोप पॉजिटिव है तो वो कहलाएगा पैसिव एलिमेंट, कहीं पे भी नेगेटिव आ गया तो वो कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। सो पी से पॉजिटिव, पी से पैसिव, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, और ये ऑर्डर से पास कर रहा, समझ लो, ठीक है। चलो तो ये आपका वोल्टेज और ये करंट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है, कैसा नेचर का ये, तो नेचर ऑफ द एलिमेंट एक्टिव या पैसिव, तो क्या होगा बताओ। यहाँ पे स्लोप 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज देखना, कभी भी स्लोप एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने देखा 0 डिग्री ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री होगा, और ये यहाँ तक जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज लिया तो पता चला कि 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम है, तो निगेटिव स्लोप है। अब कहीं भी इसको क्या चेक करना, स्ट्रेट लाइन है तो वैसे तो स्लोप सेम ही रहेगा, तो ये भी निगेटिव होगा, बट अगर कहीं भी निगेटिव स्लोप आ गया डैट मीन्स कि ये एक्टिव एलिमेंट है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सीखना। अच्छा ये एलिमेंट कैसा है, लीनियर या नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से ऑल टाइम के लिए पास कर रहा है, डैट मीन्स लीनियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बताओ ये आपका क्या है, ये आपका वोल्टेज, ये करंट, आपको बताना है कि इसमें ये जो ग्राफ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये आपका एक्टिव है या फिर पैसिव है। तो चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो स्लोप है इसको भूल जाओ, पहले इस वाले सेक्शन को देखो और इस सेक्शन का स्लोप एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो एंटी क्लॉकवाइज पता चला कि 0 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, सो स्लोप आ गया पॉजिटिव। अब इस वाले स्ट्रेट लाइन को देखो तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर इसको चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 90 से ज़्यादा है बट 180 से कम, और उस कंडीशन में स्लोप आता है निगेटिव, सो इसका स्लोप निगेटिव। अब कहीं भी एक निगेटिव स्लोप आ गया तो फिर वो पैसिव एलिमेंट नहीं कहलाएगा, उसको आपको क्या बोलना है, एक्टिव एलिमेंट। पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा स्लोप तभी हम कहेंगे कि वो पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये आपका V है, ये आपका I है, इसका बताना है आपको कि ये एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। सिंपल सी बात है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है तो आपको स्लोप ही चेक करना पड़ेगा। तो स्लोप देखो, यहाँ पे ये स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये स्लोप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट देखे। सो ये आपका टेंजेंट हो गया, ऐसे टेंजेंट, तो टेंजेंट बढ़ते जा रहा है, मतलब स्लोप बढ़ते जा रहा है। सो जब कभी ऐसा ग्राफ हो, मतलब समझो कि स्लोप बढ़ रहा है, बट ये एक ऐसा स्लोप है, आप ध्यान से देखो, तो इस लाइन को मिलाओगे तो ऐसे होगा, इस लाइन को मिलाओगे तो ऐसे होगा, इस लाइन को मिलाओगे तो ऐसे होगा, डैट मीन्स ये 90 डिग्री से कम का स्लोप है। इसका मतलब कि ये जो है ना, ये आपका पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, ठीक है। अब ये देखो, तो इसका जो होगा वो ऐसे टेंजेंट, देखो स्लोप निकालना है, अगर कर्व वाला दिया, स्ट्रेट लाइन तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कर्व वाला दिया हुआ है तो टेंजेंट देते हैं स्लोप निकालने के लिए। सो टेंजेंट ऐसे दिया, यहाँ पर टेंजेंट थोड़ा और बढ़ गया, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर अगर इस लाइन को ऐसे मिलाओगे तो पता चलेगा कि 90 से ज़्यादा इसका स्लोप है बट 180 से कम है, इसका मतलब इसमें स्लोप आ रहा है निगेटिव। अब तुम ही बताओ कि एक में स्लोप पॉजिटिव, एक में निगेटिव, इसका मतलब कि ये कौन सा एलिमेंट होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो पूरा का पूरा अगर पॉजिटिव दे रहा है स्लोप तो ही पैसिव एलिमेंट होगा, अदरवाइज कहीं भी एक निगेटिव आया तो वो कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। चलो एक और लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ चुका है, सो अब इस पर हम ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं ना, स्लोप सिर्फ निकालना होता है। सो मान लो कि ये रहा, तो बताओ क्या हुआ, एक और ले लेते हैं, ऐसा है।
ये आपका वोल्टेज, ये करंट, ये वोल्टेज, ये करंट। ग्राफ आपके सामने है, आपको बताना है कि एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। आपको बस एक ही चीज पता होना चाहिए कि भाई स्लोप क्या है ना, स्लोप चेक करना है। स्लोप अगर पूरी तरीके से पॉजिटिव हर जगह आ रहा है, डैट मीन्स वो पैसिव एलिमेंट, अदरवाइज कहीं भी एक निगेटिव आ गया तो वो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, चेक करो। सो इस पॉजिटिव जीरो डिग्री एंगल से ऐसे चेक करो कितना स्लोप आया। वन, ये 90 तक, जीरो से लेकर 90 तक गया, 180 तक गया, और 270 से कम है बट 180 से ज़्यादा है। स्लोप क्या मिलता है? निगेटिव। अब जब एक जगह निगेटिव मिल गया तो इसको चेक करने से क्या फ़ायदा है ना। सो ये आपका कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अब इसको देखो, तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या है बताओ? पॉजिटिव। ये जीरो डिग्री है, पॉजिटिव ही मानो। ये आपका 180 डिग्री है, और ये आपका यहाँ से ले लो तो 180 से ज़्यादा, 270 से कम है। सो ये आपका नेगेटिव स्लोप है। अब ये पॉजिटिव बट मान लो ये नेगेटिव आ गया, तो इसके वजह से एक भी नेगेटिव आएगा तो वो एलिमेंट कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। तो ये आपका एक्टिव हो गया। सो आपको अच्छे से अब एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। अब एक बेसिक चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि एक सर्किट दिया हुआ है, ये एग्जांपल मैंने ले रखा है ऑलरेडी, बट फिर से मैं उसको समझाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे। एक्टिव का मतलब, आप स्लोप को भूल जाओ क्योंकि ग्राफ में ही स्लोप का जरूरत पड़ता है, पर मान लो सर्किट दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स होंगे, तो एलिमेंट्स के लिए आपको पता है कि जो एलिमेंट पावर को डिलीवर करेंगे वो एक्टिव, और जो पावर को एब्जॉर्ब करेंगे वो पैसिव। ठीक है, चलो। सो मान लो कि वही सर्किट जो मैंने एग्जांपल में लिया था, कौन सा सर्किट, कि ये आपका प्लस माइनस, ये रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, प्लस माइनस, ठीक है, ये आपका सर्किट है। ये R वैल्यू का है, ये L वैल्यू का है, C वैल्यू का है, ठीक है। ये मान लो 10 वोल्ट का है, चलो इस बार वोल्टेज की वैल्यू बदल देते हैं, 20 वोल्ट का है, और ये आपका 10 वोल्ट का है ना, डबल है इसका, जैसे पिछले वाले में लिए थे डबल। ठीक है, तो बताओ कि कौन सा एलिमेंट एक्टिव है, कौन सा पैसिव है। तो ऐसा बिल्कुल गलती मत करना कि ये भाई पावर को एब्जॉर्ब करेंगे हमेशा, ये जो पावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये एक्टिव एलिमेंट होगा, बिल्कुल होगा, ये सब हमेशा एक्टिव एलिमेंट ही होंगे। तो ये भी एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव मतलब पावर को जो डिलीवर करता है, ये तो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है ना। सो पावर को जो एब्जॉर्ब करे वो क्या करेगा, वो पैसिव एलिमेंट होगा। तो ये पैसिव, ये भी पैसिव, और ये भी पैसिव, और जो पावर को डिलीवर करे, ठीक है, सो ये भी पावर को डिलीवर करेगा, ये भी, दोनों करेगा। सो इसका मतलब कि दोनों एक्टिव एलिमेंट है। गलत, मैंने क्या बोला कि 10 वोल्ट का करंट कनेक्शन इधर ही है, 20 वोल्ट का करंट कनेक्शन इधर ही है, क्योंकि दोनों डिलीवर करेगा, तो प्लस से इसमें भी निकलेगा, प्लस से इसमें भी निकलेगा। तो इस 10 वोल्ट को ये 20 वोल्ट देगा, ये आउटपुट है ना। सो 10 वोल्ट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए 10 वोल्ट इसको देके जीरो के इक्वल कर देगा, और बाकी के 10 वोल्ट के वजह से जो करंट फ्लो करेगा वही आपका मेन करंट होगा। ठीक है, इसका मतलब कि मेनली सर्किट में सबसे बड़ा हीरो कौन है, ये है या फिर ये है? ये है। सो ये एक्चुअल में पावर को डिलीवर कर रहा है, सो ये कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसका वोल्टेज ज्यादा है। क्यों ना 10 से ज्यादा इसका 12 वोल्ट होता, 11 वोल्ट होता, 10.5 वोल्ट होता, तो भी यही एक्टिव कहलाता, क्योंकि उससे ज्यादा इसका वोल्टेज है। ठीक है, सो ये एक्टिव कहलाएगा, यही मेनली पावर डिलीवर करेगा, और ये 10 वोल्ट इसके 10 वोल्ट को लेगा, डैट मीन्स ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, डैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? पैसिव एलिमेंट। ठीक है, सो हमारा ये एक्टिव और पैसिव एलिमेंट भी क्लासिफिकेशन में, सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, सो इसको नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डाल लो यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। सो अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन देखने वाले एलिमेंट का, जो कि है यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो यूनिलैटरल एंड
बाय लैटरल एलिमेंट, ठीक है, बाइलेटरल एलिमेंट। सो क्या होता है ये समझते हैं। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द एलिमेंट हैव सेम इम्पिडेंस, इफ द एलिमेंट हैव सेम इम्पिडेंस व्हेन पोलैरिटी या फिर डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज या फिर करंट, ठीक है, वोल्टेज या फिर करंट गेट रिवर्स्ड, ठीक है, देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड बाई लैटरल, ठीक है, अदरवाइज यूनिलैटरल। तो कह रहा है कि अगर किसी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का इक्वेशन मतलब ग्राफ दिया हुआ है, और अगर मान लो कि पहले उस वोल्टेज और करंट दोनों का डायरेक्शन था पॉजिटिव, है ना, और अगली बार क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन बदल गया, वोल्टेज का पोलैरिटी बदल गया। सो दोनों अगर पॉजिटिव था तो अब हो गया दोनों निगेटिव। तो पॉजिटिव के कंडीशन में इम्पिडेंस और निगेटिव के कंडीशन में इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब जेड और जेड मतलब वोल्टेज अपॉन करेंट, ठीक है। सो जेड इज इक्वल टू वी अपॉन आई, पॉजिटिव जब था तब जितना वैल्यू आ गया इम्पिडेंस का, और जब रिवर्स हो गया निगेटिव हो गया तो उस कंडीशन में जो भी इम्पिडेंस आएगा, अगर वो दोनों इम्पिडेंस सेम है तो वो दोनों इम्पिडेंस सेम होने की वजह से वो कहलाएगा बाईलेटरल, ठीक है, और अगर सेम नहीं आता तो कहलाएगा यूनिलैटरल, ठीक है। सो एग्जांपल में देखें तो बाईलेटरल, ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट आते हैं, और यूनिलैटरल पहले लिख लेते हैं, यूनिलैटरल या फिर बाईलेटरल। सो यूनिलैटरल और बाईलेटरल, ठीक है, तो यूनिलैटरल कौन होगा भाई, तो यूनिलैटरल में आ जाता है आपका बीजेटी, ठीक है, बीजेटी, फिर आ जाता है मॉसफेट, ठीक है, और क्या होता है मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांसिस्टर, ठीक है। सो ये हो गया। नेक्स्ट डायोड, क्या डायोड ATC। तो ये सारे एलिमेंट जो है BJT मतलब ट्रांसिस्टर हो गया, MOSFET हो गया, डायोड हो गया, ये सब यूनिलैटरल है, मतलब कि जैसे ही पोलरिटी और डायरेक्शन करंट और वोल्टेज का चेंज होता है तो इम्पिडेंस सेम नहीं आता, ठीक है, मतलब वी अपॉन आई सेम नहीं आता। बट बाइलेटरल की बात करें तो बाइलेटरल में आता है R, L और C, ठीक है, मतलब ये तीनों कैसा एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट, क्या एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट अगर लीनियर है तो वो पक्का बाइलेटरल होगा, ठीक है। अब जैसे लीनियर कहने का मतलब क्या था कि जब रेसिस्टर की बात किए थे तो लीनियर कहने का मतलब कि वो ऑरिजिन से ही पास करेगा, और साथ ही साथ ऑरिजिन से पास कर रहा है साथ ही साथ वो स्ट्रेट लाइन भी है, तो ये क्या कहलाता था, लीनियर। और जो एलिमेंट लीनियर है वो बाइलेटरल भी होगा। तो कैसे बाइलेटरल होगा, देखो इस ऑरिजिन से ऊपर वाले ग्राफ को देखो तो इसका वोल्टेज भी पॉजिटिव है और इसका करंट भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, यानी ऐसे था जा रहा था अब निगेटिव में आ जाओ, रिवर्स कर दो, और वोल्टेज का पोलरिटी चेंज कर दो, डेट मीन्स प्लस में था ना अब निगेटिव कर दो,
तो निगेटिव करंट और निगेटिव वोल्टेज आने पे जो ग्राफ आ रहा है इसका रेशियो और इसका रेशियो, यानी वोल्टेज अप, मान लो इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो, और मान लो इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ तो इस पॉइंट पे वोल्टेज और करंट का रेशियो अगर सेम आता है तो कहोगे कि वो बाइलेटरल एलिमेंट है। बट मतलब कहने का मतलब कि जो भी एलिमेंट लीनियर होता है वो आप बिना कैलकुलेट किए भी बता सकते हो कि एवरी लीनियर एलिमेंट ये आपका होगा क्या, बाइलेटरल। सो इसको अगर हम नोट में लिखें सो नोट में लिख लो, एवरी लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल, ठीक है, बट रिवर्स इज ठीक है नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब सभी लीनियर एलिमेंट बाइलेटरल तो होंगे बट सभी बाइलेटरल एलिमेंट लीनियर एलिमेंट नहीं होंगे, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि कोई एलिमेंट यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है, तो उसके लिए एक तरीका है। सबसे पहले तो मान लो कि आपको दिया हुआ है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ओके, और इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और मान लो कि ग्राफ ऐसा है, यानी लीनियर एलिमेंट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये लीनियर एलिमेंट है तो अगर मुझे इसका पता करना है कि ये बाइलेटरल है या यूनिलेटरल तो कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि द इफ द एलिमेंट हैव सेम इंपेडेंस वेन पोलैरिटी, यानी कि वोल्टेज का पोलैरिटी और डायरेक्शन यानी कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो अगर सेम इंपेडेंस होता है तो एलिमेंट क्या कहलाएगा, बाइलेटरल, क्या कहलाएगा, बाइलेटरल, अदरवाइज यूनिलेटरल, ठीक है। सो यहां पर देखो, पहले ये है करंट आपका आई, ये क्या है आपका करंट आई, सो मैंने दे दिया यहां पे आई, यहां पे ये वोल्टेज है तो मैंने दे दिया वी, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं इंपेडेंस, सो आपको पता है, यहां पर लिख देता हूं इंपेडेंस, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं, तो जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू वी अपॉन आई होता है ना, वैसे इंपेडेंस का भी वैल्यू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे, सो अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, और इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूं, तो अगर मान लो कि यहां पे 4 वोल्ट है, यहां पे 4 एम्पियर है, यहां पे -4 एम्पियर है, और यहां निगेटिव वोल्टेज एक्सिस है ना, तो -4 वोल्ट है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो यहां पे देखो Z1, इस साइड का जो भी इंपेडेंस है इसको हम बोलेंगे Z1 इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो V कितना है भाई, इस पॉइंट पे टोटल वोल्टेज कितना है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस कितना है 4 वोल्ट, तो 4 अपॉन करंट कितना है इस पॉइंट पे, करंट कितना है 4, डेट मीन्स 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको मैं Z2 नाम दूँ, यानी कि अब देखो पहले इस ऑरिजिन से ऊपर वाले का डायरेक्शन था करंट का ऐसा और वोल्टेज का पोलैरिटी था ऐसा, यानी ये पॉजिटिव वोल्टेज और ये डायरेक्शन करंट का ऐसा था, अब करंट का डायरेक्शन हो गया चेंज और वोल्टेज का पोलैरिटी हो गया चेंज, तो ग्राफ बनाइए, यानी गेट रिवर्स होने पे इंपेडेंस निकालो। अब ये इंपेडेंस अगर इसके इंपेडेंस से सेम आए तो बोलोगे बाइलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो वोल्टेज कितना है भाई, तो इसका वोल्टेज है आपका टोटल 4 वोल्ट माइनस में, तो 4, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो 4 अपॉन करंट कितना है -4, सो ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, इंपेडेंस क्या आया सेम, सो Z1 इज इक्वल टू Z2, डैट मीन्स कि ये आपका क्या है, बाई लेटरल है। सो लीनियर एलिमेंट था
और एवरी लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल, वही आपका नोट में लिखा हुआ है। सो अगर ये ऐसा होता, ऐसा ग्राफ होता, लीनियर ऐसा होता तो भी बाइलेटरल होता, आप निकाल के चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ मैं बनाता हूँ। सो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ठीक है। अब मान लो कि इस पॉइंट पे, या फिर इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, है ना। सो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि करंट का एक्सिस, ये वोल्टेज का एक्सिस, ठीक है। सो वोल्टेज, ये आपका करंट, समझ में आ गया। अब मैं इसमें ग्राफ बनाता हूँ, तो अगर ग्राफ ऐसा है, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो निकालते हैं ना। यहाँ पे मान लो कि इस पॉइंट पे जो वोल्टेज दिया हुआ है यह है 8 वोल्ट, इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है -8 वोल्ट, ठीक है। तो इस पे कुछ करंट भी तो होगा, तो अगर मैं इस एक्सिस को बढ़ा दूं, है ना, सो अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है, और ये आपका वैल्यू हो जाएगा -8 एम्पियर, या फिर -4 ले लेते हैं, ठीक है, -4 एम्पियर, और ये आपका 4 एम्पियर। अब बताओ कि ये बाइलेटरल है कि नहीं। तो बाइलेटरल के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चेक करते हैं, इम्पीडेंस। तो पहले इस डायरेक्शन में इम्पीडेंस निकालेंगे, तो वोल्टेज अपॉन करंट, दैट मीन्स 8/4 इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है। और यहाँ पर निकालो इम्पीडेंस, यानी Z2 इज इक्वल टू -8/-4, तो ये आ गया 2 ओम। सो दैट मीन्स Z1 इज इक्वल टू Z2, इम्पीडेंस सेम आया। जब इम्पीडेंस सेम आया दैट मीन्स ये है बाइलेटरल, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप बता सकते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसी का, बाइलेटरल और यूनिलेटरल के लिए। तो मान लो कि ये एक्सिस है, ठीक है, और इस बार ग्राफ कुछ आपने ऐसा लिया, ऐसा लिया, या फिर इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, और कुछ ऐसा लेता हूँ, ठीक है। अब बताओ कि ये बाइलेटरल है कि यूनिलेटरल है। तो आप तो देख के ही बता सकते हो कि ये यूनिलेटरल है, बट फिर भी चलो सॉल्व करते हैं। तो मान लो कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 6 वोल्ट, ठीक है, और इस पॉइंट पे भी वैल्यू सेम दिया हुआ है। अब इस पॉइंट पे करंट, करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर माइनस में, और यहाँ भी जो करंट दिया हुआ है ये 2 एम्पियर प्लस में। अब बताओ कि ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल। कुछ नहीं करना है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल ये बताने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको इम्पीडेंस निकालना है। सो Z1 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, तो 6/2 डैट मीन्स 3 ओम, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो इस पॉइंट पे तो हमने निकाल लिया, इस पॉइंट पे निकालना है। सो ये होगा Z2 इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट यानी 6/-2 माइनस 3 ओम। अब बताओ कि Z1 Z2 के इक्वल आया है क्या? नहीं आया है। सो Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2, ठीक है, दैट मीन्स ये होगा यूनिलैटरल, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने इसको बता दिया। तो मतलब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहले जो डायरेक्शन था करंट और वोल्टेज का, उसका इम्पीडेंस निकाल लो, और जब उसका डायरेक्शन ऐसे था तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन बदल चुका है तो उसका भी इम्पीडेंस निकालो और चेक करो कि दोनों का इम्पीडेंस सेम है कि नहीं। इम्पीडेंस सेम आया मतलब वोल्टेज अपॉन करंट सेम आया तो बाइलेटरल, अदरवाइज नहीं इक्वल है तो यूनिलेटरल। यहाँ देखो मैग्नीट्यूड सेम है पर पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क है, डैट मीन्स इक्वल नहीं है, डैट मीन्स यूनिलेटरल होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, एवरी लीनियर एलिमेंट, ये लीनियर एलिमेंट है, ये लीनियर एलिमेंट नहीं है, ठीक है, बट बाइलेटरल है। सो एवरी बाइलेटरल एलिमेंट
आपका नहीं होगा कौन सा एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट। ये बाइलेटरल एलिमेंट है बट लीनियर नहीं है, बट जो लीनियर एलिमेंट है वो बाइलेटरल है। ठीक है, वही बात बोल रहा है, एवरी लीनियर एलिमेंट इज बाइलेटरल, ठीक है, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। आप सामने देख रहे हैं बाइलेटरल एलिमेंट लीनियर नहीं है, तो इसको आप नोट कर लो। अब हम आगे पढ़ेंगे कि टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, फिर हम आगे जंप करेंगे। ठीक है, सो इसको नोट कर लो और हेडिंग डाल लो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट। सो अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अब हम देखने वाले लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन होगा जो कि है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, सो हेडिंग डाल लो टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, सो ये अपने आप पे जवाब दे रहा है, क्या दे रहा है कि अगर टाइम के साथ VI characteristics जो है वो अगर चेंज होता है, ठीक है, सो अगर VI characteristics equation जो है, मतलब जो कर्व जो है, अगर वो टाइम के साथ वेरी करेगा, डेट मीन्स वो टाइम वेरियंट कहलाएगा, अदरवाइज वो टाइम इनवेरिएंट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, या फिर पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन है व्हेन VI characteristics of an element is changes, then that element is VI, that element is time variant। ठीक है, otherwise time invariant। okay, so for example एक graph लेके चलते हैं। graph क्या है, मान लो ये graph है, ठीक है, और इसमें अगर मैं इसमें एक कर्व बनाऊं, एक ग्राफ प्लॉट करूं, तो मान लो कि ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज सोर्स होगा, ये आपका करंट सोर्स होगा, मतलब ये करंट का एक्सिस है, ये वोल्टेज का एक्सिस है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि क्या ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन है, क्या ये चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो अगर मान लो पॉजिटिव टाइम में देखना चाह रहे हैं, ठीक है, सो पॉजिटिव टाइम में आपका वैल्यू हमेशा सेम है। कैसे, यहां पे स्लोप देखो, स्लोप मान लो इसका थीटा है, तो ऐसा थोड़ी कि यहां पे इसका स्लोप चेंज हो गया। डायरेक्शन अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसा तो नहीं कि ऐसे थोड़ा झुक गया या उठ गया, स्लोप हमेशा कॉन्स्टेंट जा रहा है। तो आप स्लोप चेक करेंगे, ठीक है, अगर स्लोप किसी भी पॉइंट पे सेम आता है तो आप सीधा बोलोगे कि वो है टाइम इनवेरिएंट। सो मान लो कि यहां पे आप स्लोप चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, यहां पे या फिर यहां पे, ठीक है, यहां चेक करने के लिए फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस लाइन को आगे मिलाएंगे, आप हर जगह देखेंगे कि वही एंगल है जो एंगल यहां पे है, ठीक है, दैट मीन स्लोप सेम है। सो स्लोप सेम है, दैट मीन्स कि यह कहलाएगा टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, अब देखो मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसा हो, ठीक है, यानी कि ऐसा हो, तो बताओ कि ये टाइम वेरिएंट है या फिर टाइम इनवेरिएंट है। तो आपको कुछ नहीं देखना है, स्लोप देखना है। तो जो स्लोप यहां है वही स्लोप यहां इस पॉइंट पे भी सेम स्लोप है, लीनियर है ना, तो स्लोप सेम है, बट जैसे इस पॉइंट से आगे बढ़ा तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, तो स्लोप था ऐसे अब हो गया ऐसे, दैट मींस कि यहां पे स्लोप का आया चेंज, फिर आगे बढ़ा और फिर जो हॉरिजॉन्टल जा रहा था वो वापस उठ गया इस एंगल से,
डैट मीन्स कभी स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, डैट मीन्स कि यहाँ पे हमेशा स्लोप चेंज हो रहा है, टाइम के साथ स्लोप वैरी कर रहा है, डैट मीन्स कि ये कहलाएगा टाइम वेरिएंट, है ना। सो इससे ज़्यादा हमें इसमें नहीं देखना है टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं सिग्नल सिस्टम में कि कौन होता है टाइम वेरिएंट, कौन होता है टाइम इनवेरिएंट अगर कोई सिग्नल लेते हैं तो। ठीक है, फिलहाल के लिए टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट इतना काफ़ी है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एब्जॉर्ब पावर और डिलीवर पावर जो हमने सीखा था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर समझा था, पावर ऑफ कंजर्वेशन समझा था, उस पे बेस्ड दो क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और हम उससे बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे उसमें पूछा जाता है कि सर्किट वैलिड है कि नहीं है, है ना। तो सर्किट वैलिड है या नहीं उसके लिए हम पावर एब्जॉर्ब्ड पावर डिलीवर्ड दोनों निकालते हैं। और अगर डिलीवर्ड पावर जितना सोर्सेस अपना पावर डिलीवर कर रहा है अगर उतना एलिमेंट्स पावर को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं डैट मीन्स कि वो सर्किट वैलिड है, यानी दोनों इक्वल हो, साइन में चेंजेस हो प्लस माइनस में, क्योंकि एक अगर एब्जॉर्ब प्लस में है तो डिलीवर वाला माइनस में होगा, या फिर एब्जॉर्ब प्लस माइनस में है तो डिलीवर वाला प्लस में होगा। भले ही साइन चेंज हो बट मैग्नीट्यूड जितना डिलीवर का है उतना ही एब्जॉर्ब का आना चाहिए, देन सर्किट इज वैलिड। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि आपको एक सर्किट दे देगा और उस सर्किट से पूछा जाएगा कि बताइए इस सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट एब्जॉर्ब करेंगे पावर को और कौन कौन से एलिमेंट डिलीवर करेंगे पावर को। सो इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम दो क्वेश्चन लेते हैं और उस दोनों क्वेश्चन से हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो और फिर दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे, कैसे हम पावर एब्जॉर्ब या फिर पावर डिलीवर निकालते हैं या फिर सर्किट वैलिड है कि नहीं ये हम चेक करते हैं, है ना। सो ये देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक नोड है ना। नोड का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा ब्रांच, है ना, दो या दो से ज़्यादा ब्रांच। जैसे दो नोड होगा तो नॉमिनल नोड कहलाता है, तीन नोड होगा या तीन से ज़्यादा होगा तो उसको प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। सो अगर नोड में तीन ब्रांच या तीन से ज़्यादा ब्रांच है तो यहाँ पे तीन ब्रांच कनेक्ट है तो ये नोड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है, करंट दिया हुआ है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, करंट भी दिया हुआ है, और ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें भी करंट दिया हुआ है। आपको निकालना है कि टोटल कितना पावर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, फिर टोटल कितना पावर डिलीवर होगा, दोनों आपको निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज पावर एब्जॉर्ब है ना इज इक्वल टू व्हाट एंड पावर डिलीवर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, सो चलो निकालते हैं। यहां पे अगर सॉल्यूशन करें फर्स्ट का तो कैसे करें, आपको पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, सो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। अब हमें चाहिए वोल्टेज और करंट। अगर मैं इस सोर्स को लेता हूँ यानी 100 वोल्ट को लेता हूँ तो इसमें वोल्टेज है 100 वोल्ट और करंट है कितना 10 एम्पीयर का। पर ठीक है, वोल्टेज भी पता है करंट भी पता है तो वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर बिल्कुल निकल जाएगा। बट इसमें जो पावर आएगा वो एब्जॉर्बिंग पावर होगा या डिलीवरिंग पावर होगा, ये मेन बात है। सो आपको पता है कि जब जब प्लस के टर्मिनल में एंटर करें, प्लस के टर्मिनल में एंटर करें और माइनस से डिलीवर करें तो उस कंडीशन में पावर होता है एब्जॉर्ब, और जब जब प्लस के टर्मिनल से एग्जिट करें, ठीक है, तो वो होता है पावर डिलीवर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। अब यहां पे देखो इस वोल्टेज सोर्स को, इधर है प्लस टर्मिनल, इधर है माइनस टर्मिनल। सो प्लस में करंट जा रहा है, प्लस के साइड में करंट अंदर जा रहा है और माइनस से बाहर निकल रहा है। डैट मीन्स ये जो वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट का, ये पावर करेगा एब्जॉर्ब, ठीक है। सो इसका मतलब कि 100 वोल्ट पे अगर पावर निकालना चाहे तो 100 वोल्टेज है, करंट है कितना 10 का, और ये जो आपका पावर आया यही पावर आपका एब्जॉर्बिंग पावर आएगा, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि प्लस में ये करंट इंटर कर रहा है डैट मीन्स पावर को एब्जॉर्ब करेगा। सो 100 इंटू 10 डैट मीन्स 1000 वॉट, ठीक है, 1000 वॉट। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखते हैं इस वोल्टेज सोर्स के वजह से हमारा कितना पावर आएगा। तो पी 80 वोल्ट का पावर, कुछ नहीं करना, वोल्टेज इंटू करंट मल्टीप्लाई कर दो।
तो है 80 × 3, और ये जो पावर आएगा, मेन रीजन आपका निकालने का ये नहीं है कि पावर निकालना है ना, आपको सीखना है कि पावर एब्जॉर्ब होगा या डिलीवर होगा, ये देखना है। तो यहां पे माइनस में करंट इंटर कर रहा है, प्लस से बाहर आ रहा है, ठीक है। देखो डायरेक्शन ऐसा है, सो प्लस से बाहर आ रहा है, डेट मीन्स पावर को क्या करेगा, डिलीवर, यानी ये जो पावर निकलेगा ये पावर डिलीवर पावर निकलेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 240 वाट, और ये पावर क्या होगा, डिलीवर, ये पावर क्या होगा, एब्जॉर्ब। अच्छा, ये पावर एब्जॉर्ब इस वोल्टेज सोर्स के लिए, 100 वोल्टेज सोर्स के लिए जो आपका पावर है वो कितना है, 1000 वाट, जो कि एब्जॉर्बिंग होगा। तो डिलीवर अगर मैं निकालना चाहूँ, डिलीवर मैं निकालना चाहूँ तो क्या करते हैं, उसका जस्ट साइन चेंज कर देते हैं, सो प्लस से हो जाएगा माइनस, तो 1000 वाट एब्जॉर्ब डिलीवरिंग, ठीक है। सो अगर माइनस मिले तो ये पावर को करेगा क्या, डिलीवर, ठीक है। उसी तरीके से ये जो पावर आया ये डिलीवर आया, तो एब्जॉर्बिंग पावर कितना आएगा भाई, तो एब्जॉर्बिंग पावर कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर दो, 240 वाट ही होगा, बट इस बार अब ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो वोल्टेज सोर्स है इसमें करंट का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, ठीक है। सो पॉजिटिव से बाहर कहने का मतलब कि डिलीवर करेगा। सो पी 15 वोल्ट इज इक्वल टू, जो आपका पावर निकालना है उसमें क्या, वोल्टेज इंटू करेंट, डैट मीन्स 15 × 2 होगा। अब ये बताओ कि ये जो पावर होगा ये डिलीवर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो प्लस से निकल रहा है, डैट मीन्स पावर को करेगा डिलीवर, डैट मीन्स पी डिलीवर इज इक्वल टू 15 × 2 = 30, और ये जो पावर आया कैसा आया, डिलीवर नेचर का। सो एब्जॉर्बिंग पावर इसका कितना होगा, तो एब्जॉर्बिंग पावर होगा 30, ये आपका प्लस में है तो माइनस में 30 होगा एब्जॉर्बिंग। तो आपने तीनों वोल्टेज सोर्स के वजह से कौन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन डिलीवर कर रहा है, ये आपने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो कि मुझे पूछा गया है कि पावर एब्जॉर्बिंग टोटल, इस सर्किट का टोटल कितना पावर एब्जॉर्ब होगा। अब सर्किट कहने का मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोज लूप तो है नहीं, तो सर्किट तो कहता है कि क्लोज लूप होना चाहिए तभी वो सर्किट कहलाएगा, है ना। बट यहाँ पे तो आपको इंडिपेंडेंट सोर्स तो मिल गया, एटलीस्ट वन, यहाँ पे तीन है, एलिमेंट्स भी लगे हुए, ये एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। क्लोज लूप आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये सर्किट है कि नहीं है, सर्किट है, क्योंकि डॉट डॉट कहने का मतलब कि आगे और भी सर्किट होंगे बट उसको हमने ड्रॉ नहीं किया, तो आगे और सर्किट होंगे जो कि क्लोज लूप बना रहे होंगे, ठीक है। सो डॉट डॉट कहने का मतलब और भी थे बट उसमें से एक हिस्सा हमने काट के इसको रखा और उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमें निकालना है टोटल पावर इस तीनों वोल्टेज सोर्स के वजह से एब्जॉर्ब कितना होगा। अब एक बात ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये वोल्टेज सोर्स पावर को कर रहा है एब्जॉर्ब, अब ये वोल्टेज सोर्स पावर को कर रहा है डिलीवर, ये वोल्टेज सोर्स पावर को कर रहा है डिलीवर, तो टोटल पावर एब्जॉर्ब कैसे निकाले। तो आपको इसमें करना क्या है कि आप इसका पावर, ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका पावर एब्जॉर्ब तो चलो निकल गया, ठीक है, ये पावर एब्जॉर्ब निकल गया, बट ये जो है ना ये पावर डिलीवर कर रहा है और ये जो है ना ये भी पावर डिलीवर कर रहा है, तो कैसे निकाले टोटल पावर एब्जॉर्ब, कुछ नहीं करना है, डिलीवर आया है ना, डिलीवर कर रहा है ना, तो एब्जॉर्ब के लिए साइन चेंज कर दो, तो हम इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे डिलीवर आ जाए तो हमें एब्जॉर्ब का यूज करना है, तो हमने साइन चेंज कर दिया तो एब्जॉर्ब पावर हो गया। अब इसका पावर एब्जॉर्ब, इसका पावर एब्जॉर्ब और इसका पावर एब्जॉर्ब, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल पावर एब्जॉर्ब हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मान लो कि इसको मैं मानता हूं P1, इसको मानता हूं P2, इसको मानता हूं P3, सो टोटल पावर जो कि किस नेचर का होगा, एब्जॉर्बिंग पावर नेचर का, सो ये होगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। अब P1 कितना है, 1000, तो 1000 प्लस ये आपका वैल्यू कितना है, -240, तो यहां पे डायरेक्ट -240 लिख लेते हैं। नेक्स्ट, ये आपका -30, सो याद रखें कि जब कभी भी पावर, टोटल पावर एब्जॉर्ब निकाले तो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्बिंग पावर को ही यूज करें, डिलीवरिंग पावर को इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो टोटल इसका समेशन कितना हो जाएगा,
1000 माइनस 270 डेट मीन्स 730 वॉट। अच्छा ये पावर कैसा होगा? एब्जॉर्बिंग पावर होगा, ठीक है। सो पावर एब्जॉर्ब हो गया आपका इतना, समझ गया, बहुत ही आसानी से निकल गया। अच्छा एक बात बताओ कि पावर डिलीवर भी पूछा गया तो वो कैसे निकाले? तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है बहुत ही जल्दी बनने वाला यानी शॉर्टकट, और एक है आपका लॉन्ग वे में आपको बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर पावर डिलीवर पूछा गया है तो या तो जो भी एब्जॉर्बिंग पावर आया है ना उसको कर दो कन्वर्ट, पर यहाँ पे ये पावर डिलीवर कर रहा है, ये भी पावर डिलीवर कर रहा है, सो इस दोनों को चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है और डिलीवर मैं पूछ रहा हूँ तो उसका साइन कर देंगे चेंज। तो ये एब्जॉर्बिंग से मैंने डिलीवर पावर निकाल लिया, अब ये डिलीवर पावर, ये डिलीवर पावर और ये भी डिलीवर पावर, ठीक है। सो टोटल जोड़ लेते हैं, ओके। सो पी टोटल डिलीवर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 1000 वॉट, माइनस 1000 वॉट। नेक्स्ट इसका डिलीवर कितना है? 240 प्लस ये आया 30। अब जोड़ के देखो कितना आ रहा है, तो ये आएगा माइनस 730 वॉट जो कि डिलीवर नेचर का होगा। सो पावर डिलीवर आपने निकाल लिया। तो एक ऑप्शन तो था कि तीनों वोल्टेज सोर्स के वजह से जितना भी पावर डिलीवर हो रहा है उस टोटल पावर डिलीवर को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, कर लिया ऐड। अब एक बात बताओ कि क्या ये प्रोसेस लगाना सही था? नहीं, आप अगर ऑब्जेक्टिव बना रहे हो या फिर मान लो कि अगर सेमेस्टर में बना रहे हो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट फिर भी वहां भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। क्या? जब हमने टोटल पावर एब्जॉर्ब निकाल लिया है तो उसका सिर्फ साइन चेंज कर देंगे तो टोटल पावर डिलीवर भी आ जाएगा। सो इसका साइन चेंज करो, ये प्लस में आया तो माइनस में आ गया, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि टोटल पावर एब्जॉर्ब इज इक्वल टू टोटल पावर डिलीवर, ठीक है। तो हमें जो पूछा गया था टोटल पावर एब्जॉर्ब, टोटल पावर डिलीवर, वो हमने आराम से निकाल लिया, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखें जब भी टोटल पावर एब्जॉर्ब पूरे सर्किट के वजह से होगा तो उसमें जो भी पावर आप निकाले वो सभी एब्जॉर्ब पावर के टर्म्स में निकाले। मान लो कोई पावर डिलीवर पावर दे रहा है तो उसका साइन चेंज कर दो तो वो भी एब्जॉर्ब पावर में होगा। मान लो कि ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कोई एलिमेंट है जो कि दोनों पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है और ये पावर को डिलीवर कर रहा है। अब ये तीनों आपस में सर्किट में है कनेक्टेड और आपसे पूछा गया कि टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, तो ऐसा नहीं कि डिलीवर वाला ही सीधा जो वैल्यू आए उस एब्जॉर्ब में जोड़ देना तो वही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, आपको क्या करना है कि इसका एब्जॉर्ब पावर आप निकालोगे क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है, डेट मीन्स इसका भी एब्जॉर्ब पावर निकालोगे, पर ये डिलीवर कर रहा था तो इसका डिलीवर पावर निकालने के बाद इसका साइन कर दो चेंज, अब ये भी एब्जॉर्ब पावर के टर्म में आ गया, अब तीनों को जोड़ दो, वो आपका फाइनल आंसर होगा एब्जॉर्ब पावर के फॉर्म में, ठीक है। अगर डिलीवर पावर पूछा जाए तो ये डिलीवर पावर दे ही रहा है तो जो भी इसका पावर आएगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये दोनों पावर को कर रहा था एब्जॉर्ब, तो इस दोनों को हम डिलीवर पावर के टर्म में निकालेंगे, मतलब एब्जॉर्ब पावर के टर्म में निकाल के उसका साइन चेंज करेंगे तो डिलीवर पावर आ जाएगा, फिर तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल पावर डिलीवर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। बट बारी बारी से हमें एब्जॉर्ब्ड और डिलीवर दोनों को अलग अलग से तीनों का समेशन करके नहीं निकालना है, किसी एक का टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड और या फिर टोटल पावर डिलीवर निकाल लेंगे और उसका जस्ट साइन चेंज कर देंगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। चलो सो इस तरीके से पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक सर्किट दिया हुआ है ना जिसमें दो नेटवर्क है, लेफ्ट और राइट साइड में दो नेटवर्क है, ध्यान से देखो, ठीक है। एक नेटवर्क का नाम है N1 और दूसरे नेटवर्क का नाम है क्या? N2। तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अरे कोई नेटवर्क कनेक्टेड है तो होगा क्या कि इसमें यहाँ पे मान लो कि इसके वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और ये जो करंट है मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, फिर इसके वजह से कुछ करंट इधर फ्लो करेगा, इसके वजह से कुछ करंट इधर फ्लो करेगा, तो जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा इस पे जंप कर जाएगा करंट, नहीं, सर्किट में जाएगा, नेटवर्क में जाएगा और वहाँ से लौट के वापस
इधर चला जाएगा, ठीक है। सो मतलब कि एक नेटवर्क है जिसको हमने छोटे फॉर्म में, नेटवर्क कहने का मतलब मान लो इसमें रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर सब कुछ लगा हुआ है, बट उसको हम इग्नोर करते हुए एक नेटवर्क बना लिए कि हाँ भाई इतना तो पता है कि अगर मान लो कि यहाँ से गाड़ी जा रही है तो ये रोड से गोल घूम के वापस जो ये गाड़ी यहाँ से निकलेगी, है ना, या फिर ये रोड से घूम के वापस ये गाड़ी इधर आएगी तो वही गाड़ी ही होगी और कुछ होगा नहीं। डैट मीन्स जो करंट जाएगा वो वापस लौट के वही करंट आएगा, ठीक है। सो हम इसको लेके चलते हैं एज अ जंक्शन या फिर इसको एज अ नोड लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब इतना पता है कि जिस जो करंट जिस सर्किट में जा रही है जब रिटर्न होगी वापस आएगी तो वो करंट ही रहेगी उतनी मैग्नीट्यूड का, ठीक है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पहले जा रही थी अब आ रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। पूछा क्या गया है, पूछा गया कि टोटल जो पावर है ना, मतलब 5 वोल्ट के द्वारा जो पावर है वो आपको निकालना है, और ये पावर आपको निकालना है डिलीवर पावर, ठीक है। ये भी बोल दिया गया कि एब्जॉर्ब पावर मत निकालना, डिलीवर पावर ही निकालना है। चलो हम एब्जॉर्ब भी निकालेंगे और डिलीवर पावर भी निकालेंगे। पहले ये देखो इस सर्किट को देखो, ठीक है। अब एक बात आपको पता है कि ये है आपका पैसिव एलिमेंट, है ना, और ये है आपका एक्टिव एलिमेंट। सो ये पावर को करेगा डिलीवर और ये दोनों पावर को करेगा एब्जॉर्ब। सो ये पावर को एब्जॉर्ब तभी करेगा जब करंट का डायरेक्शन प्लस में इंटर करे और माइनस से बाहर आए, ठीक है। सो ये एलिमेंट रेसिस्टर है, हमेशा पावर को एब्जॉर्ब करता है। अब बताओ कि पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लस में करंट जाना चाहिए तो इधर से डायरेक्शन दूँ या फिर इधर से डायरेक्शन दूँ, आप बताओ। तो ये डायरेक्शन होगा ऐसे, ठीक है। तो इसका करंट का डायरेक्शन ऐसे डिसाइड हो गया कि ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेसिस्टर है, पावर को करेगा एब्जॉर्ब और पावर एब्जॉर्ब करने के लिए प्लस में करंट एंटर करना चाहिए, ठीक है। अब ये भी रेसिस्टर है तो ये भी पावर को करेगा एब्जॉर्ब, तो इसमें करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। सो ये डायरेक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि ये प्लस में एंटर कर रहा है और निगेटिव से बाहर आ रहा है, डैट मीन्स ये पावर को करेगा एब्जॉर्ब। ये है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स हमेशा पावर को करता है डिलीवर, है ना। तो जब डिलीवर करेगा तो यहां प्लस से निकलेगा तो इसका करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? ऐसा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है तो मैं यहां पर ले लेता हूं, ये डायरेक्शन ऐसे ही है ही, और इसका डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। तो अगर मैं इसको एक जंक्शन मान लेता हूं, यानी कि क्योंकि देखो सर्किट में जो भी करंट फ्लो करेगा ओवरऑल लौट के वापस उतना ही मैग्नीट्यूड का, जो जिस मैग्नीट्यूड का करंट इस सर्किट में जाएगा उतने ही मैग्नीट्यूड का सर्किट से वापस आने के बाद करंट इसमें जाएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। सो इसका मतलब इसको हम जंक्शन मान लेंगे। अब जंक्शन मान लेंगे तो भले ही आपने अभी तक KCL नहीं पढ़ा है बट KCL का आइडिया जरूर होगा। 11th 12th में आपने पढ़ा है कि टोटल जो आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ जो करंट होता है किसी नोड पे टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इज जीरो। डैट मीन्स कि टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट, है ना। सो यही KCL कहता है, आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम KCL लगाते हैं। सो इसका करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ कि डायरेक्शन करंट का तो पता चल गया कि यही डायरेक्शन ऐसे आएगा, ठीक है, बट करंट का वैल्यू कितना होगा? तो वोल्टेज दिया हुआ है इस दोनों एंड के बीच में और रेसिस्टर का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V/R होता है। तो V कितना है? 6 वोल्ट, और R कितना है? 3 ओम। तो 6/3 डैट मीन्स 2 एम्पियर। सो इसका वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, इसका करंट का डायरेक्शन आपको पता है, करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा क्योंकि ये पावर को करेगा एब्जॉर्ब, बट करंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सो मैग्नीट्यूड देखो, 2 वोल्ट वोल्टेज है और 2 ओम रेसिस्टेंस है, सो वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस यानी 2/2 इज इक्वल टू करंट, सो 2/2 हो जाएगा 1। तो ये 1 एम्पीयर का करंट इस नेटवर्क से, नेटवर्क 1 से बाहर आएगा। अब ये इसका करंट हमें निकालना है ना, क्योंकि क्यों हम इसका करंट निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना है पावर, और पावर निकालने के लिए वोल्टेज इसके अक्रॉस पता है, 5 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज पता है बट करंट नहीं पता। सो अगर करंट पता चल जाए तो वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर, यानी हमें करंट निकालना है, ठीक है। सो करंट ये निकालने के लिए हम लगाएंगे KCL,
यानी कि इसको एज अ नोड समझेंगे, एज अ जंक्शन समझेंगे, तो इसका मतलब कि टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट। मान लो कि इस करंट का मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया आई, ठीक है। सो यहां पे देखो सॉल्व कर रहे हैं, सो टोटल आउटगोइंग, देखो मान लो कि यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, तो वो कौन सा गाड़ी है जो कि इससे दूर जा रहा है, डेट मीन्स कौन सा करंट है जो इससे दूर जा रहा है। तो एक है 1 एम्पियर वाला और एक है आई करंट, ठीक है। तो दो करंट आउटगोइंग है और एक करंट जो है आपका इनकमिंग है ना। तो इसका मतलब टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट। तो आउटगोइंग कौन कौन सा है, 1 एम्पियर प्लस, सीधा 1 लिख देता हूँ, एम्पियर क्या लिखना है, 1 प्लस आई टोटल आउटगोइंग हो गया, और इनकमिंग कितना है 2, तो इज इक्वल टू इनकमिंग है 2, तो इस हिसाब से आई इज इक्वल टू 2 माइनस 1, डैट मीन्स 1 एम्पियर आ गया। चलो अब क्या करें, तो अब हमारे पास करंट आ चुका है, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 1 एम्पियर का फ्लो करेगा, हमने KCL की मदद से निकाल लिया। अब यहां पे देखो ये करंट जा रहा है इस एलिमेंट से होते हुए, ठीक है। सो करंट का वैल्यू पता है, वोल्टेज का वैल्यू पता है, तो अगर मैं 5 वोल्ट के क्रॉस पावर निकालूं तो ये पावर कितना होगा, 5 × 1, पावर इज इक्वल टू v × i 5 × 1, दैट मींस 5 वॉट। अब एक बात बताओ कि इसमें जो पावर निकलेगा ये पावर डिलीवर वाला होगा या एब्जॉर्ब वाला होगा, तो ये डिलीवर एब्जॉर्ब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, करंट का डायरेक्शन देख के। अगर करंट निगेटिव में एंटर कर रहा है और पॉजिटिव से बाहर आ रहा है, डैट मीन्स ये करेगा पावर को डिलीवर। सो ये जो पावर आया है ये डिलीवर पावर आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि क्वेश्चन में पूछा रहता कि पावर एब्जॉर्ब बताइए 5 वोल्ट के द्वारा, तो आपने जो निकाला है वो तो आपका 5 वोल्ट है बट डिलीवर का है, तो आपको अगर एब्जॉर्ब निकालना है, पावर एब्जॉर्ब ऑफ 5 वोल्ट, देन बस इस डिलीवर का साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब्ड पावर। सो एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब आपसे पावर पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, डिलीवर वाला भी 5 वोल्ट है और एब्जॉर्ब वाला भी 5 वोल्ट है, बट ऑप्शन में दोनों रहेगा, प्लस में भी और माइनस में भी। सो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब कभी भी पावर निकालो तो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को ध्यान रखो और करंट का डायरेक्शन भी देखो। अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो जो तुम पावर निकाल रहे हो वो आपका आएगा डिलीवर, ठीक है। और अब पूछा गया है एब्जॉर्ब, तो साइन बदल दो, ठीक है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड में ज़्यादा डाउट नहीं आएगा, साइन में ज़्यादा डाउट होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि बताओ पावर 5 वोल्ट के द्वारा कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आप मिस्टेक ऐसा भी कर सकते हो कि चलो पावर एब्जॉर्ब यानी कि पावर पूछा गया है तो 5 × 1 5 वॉट आंसर, नहीं गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना कि ये पावर करंट निगेटिव में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, डैट मीन्स पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, ये पावर को डिलीवर कर रहा है। सो 5 वॉट जो आंसर है वो डिलीवर्ड पावर है, एब्जॉर्ब पावर तो उसका साइन चेंज करने पाएगा, ठीक है। सो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब चलो दो क्वेश्चन कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जिसमें हम चारों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि लीनियर एंड नॉन लीनियर, दूसरा एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, तीसरा यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल एलिमेंट, और चौथा टाइम वेरिएंट एंड टाइम इन वेरिएंट एलिमेंट। तो दो ही क्वेश्चन में हम चारों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, बहुत ही बेसिक लेवल से चलना है ना, ताकि अच्छे से पूरे नेटवर्क को समझ पाए। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपने चार क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उस बेस पे हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये आपका है वोल्टेज, ये है करंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते क्वेश्चन, है ना, कॉन्सेप्ट को सीखना है या आपके एग्जाम में आ ही जाता है, लगभग आ ही जाता है, कभी कभी ही नहीं पूछता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से। सो एक ऐसा ले लेते हैं, ब्लू से बना देते हैं ताकि पता चले कि भाई ऐसा ग्राफ है, ठीक है ना। अरे यार, ठीक है, और ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो ये आपका वोल्टेज है और ये है करंट, ठीक है। अब ग्राफ को देखो ध्यान से, आपको चारों चीज बताना है कि बताओ ये लीनियर नॉन लीनियर है, एक्टिव या पैसिव है, यूनिलेटरल या बाइलेटरल है, और टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट है। चारों चीज हर एक ग्राफ में बताना है। सो देखो यहाँ पे लीनियर कहता है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और साथ ही साथ ओरिजिन से पास करे फॉर ऑल टाइम, यानी पॉजिटिव टाइम एक्सिस के लिए भी और निगेटिव टाइम एक्सिस के लिए भी। सो यहाँ पे ये देखो कि ये पॉजिटिव टाइम में भी ओरिजिन से पास कर रहा है और निगेटिव टाइम में भी ओरिजिन से पास कर रहा है और स्ट्रेट लाइन भी है। डेट मीन्स एक चीज तो पता चल गया कि ये लीनियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमें बताना है एक्टिव या पैसिव एलिमेंट। तो आपको मैंने बताया था कि अगर अगर एलिमेंट्स पूछे, यानी कि जैसे रेसिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो अगर एलिमेंट्स दे के एग्जाम्पल और आपसे पूछे कि बताओ ये एक्टिव या पैसिव, तब तो आप एलिमेंट याद रखोगे कि जो रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये पैसिव एलिमेंट है, ये पावर को एब्जॉर्ब करता है, और एक्टिव एलिमेंट वही जो पावर को डिलीवर करता है, जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, बैटरी, ये सब हो गया, ठीक है। बट यहाँ तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि आपको स्लोप चेक करना है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो पैसिव एलिमेंट, अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्टिव एलिमेंट। पी से पैसिव, पी से पॉजिटिव, ठीक है। तो स्लोप चेक करो, तो यहाँ पे ये स्लोप देखो 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 से कम, और 0 से ज़्यादा है एंगल बट 90 से कम, तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टैन थीटा, यानी कि स्लोप, स्लोप को बोलते हैं हम टैन थीटा। सो टैन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, डेट मीन्स ये जो स्लोप दे रहा है ये आपका पॉजिटिव स्लोप दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से क्या यहाँ पे स्लोप निगेटिव होगा? नहीं, यहाँ पे भी हमें अगर स्लोप चेक करना हो इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लेंगे और ये वाई एक्सिस बना लेंगे और ऐसे स्लोप देखेंगे, तो यहाँ भी पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मतलब ये लीनियर है ना, तो स्लोप इसका हमेशा सेम रहेगा। जब स्लोप सेम है, दैट मीन्स कि अगर ये स्लोप यहाँ पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव होगा, इस पॉइंट पे भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये लीनियर है, ये इसका एक ही डायरेक्शन है, इसका स्लोप चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। डैट मीन्स कि इसका स्लोप है पॉजिटिव किसी भी टाइम के लिए, ओके। सो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है पी से पॉजिटिव स्लोप, डैट मीन्स पी से पैसिव एलिमेंट, सो ये आपका होगा पैसिव एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम देखते हैं यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। तो बाइलेटरल क्या था? बाइलेटरल था कि अगर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो ग्राफ होगा उसमें अगर मान लो कि पहले सपोज कि उसका हम वोल्टेज का पोलैरिटी एंड करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले से उसका ग्राफ था, तो वो ग्राफ का हम इंपेडेंस पहले निकालते हैं, वोल्टेज अपॉन करंट। अब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, वोल्टेज का पोलैरिटी भी चेंज कर देंगे, और उससे जो ग्राफ बनेगा उसमें भी अगर इंपेडेंस उतना ही आ रहा है जितना पहले था, डैट मीन्स इंपेडेंस रिवर्स करने के बाद में भी सेम आ रहा है, तो वो कहलाएगा बाइलेटरल। अब एक बात बताओ कि ये लीनियर है, और मैंने बोला था, नोट में भी लिखवाया था कि जितने भी लीनियर एलिमेंट होते हैं वो सभी बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं, बाइलेटरल एलिमेंट होते हैं। बट अगर जितने भी बाइलेटरल एलिमेंट हैं वो आपके क्या नहीं होते? लीनियर नहीं होते। उसका एग्जांपल भी मैंने करवाया था, ठीक है। ये लीनियर एलिमेंट है, डेट मीन्स आप सीधा बोल सकते हो कि बाइलेटरल है, बट फिर भी अगर इंपेडेंस चेक करना चाहो तो जो भी इंपेडेंस इसका आएगा इतने वैल्यू का, उतना ही इंपेडेंस इसका भी आएगा,
दैट मीन्स ये हुआ क्या, बाईलैटरल, ठीक है। अब लास्ट बच गया टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट कैसे चेक करते हैं कि अगर स्लोप किसी भी टाइम पे चेंज नहीं हो रहा तो वो टाइम इनवेरिएंट, और अगर किसी टाइम पे स्लोप चेंज हो जा रहा है दैट मीन्स वो टाइम इनवेरिएंट। ग्राफ नहीं बदलना चाहिए, अगर ग्राफ नहीं बदल रहा है एवरी टाइम, किसी भी टाइम पे हम ग्राफ वही देख रहे हैं जैसे पहले था, तो इसका मतलब कि वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम के साथ वो ग्राफ नहीं बदल रहा है। सो आप देख रहे हो कि लीनियर है बिल्कुल, स्लोप नहीं चेंज हो रहा, दैट मीन्स ये टाइम इनवेरिएंट। तो ये चारों क्लासिफिकेशन आपने एक ही क्वेश्चन में देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे आप फटाफट बताते हैं क्या ये लीनियर है, इतना दूर का लीनियर है बट ये ग्राफ जैसे निगेटिव एक्सिस में गया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। सो पूरा ग्राफ ये लीनियर नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन लीनियर कहलाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें एक्टिव एंड पैसिव में, तो ये स्लोप पॉजिटिव दे रहा है बट ये स्लोप, ये देखो ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव, बट ये स्लोप क्या है, निगेटिव स्लोप, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव स्लोप। सो एक तो पॉजिटिव स्लोप दे रहा है बट दूसरा निगेटिव स्लोप दे रहा है, ठीक है। सो कहीं भी एक भी अगर निगेटिव स्लोप आता है डैट मीन्स वो कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट। तो ये हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिलेटरल या बाइलेटरल, तो एक बात बताओ कि इसमें इसमें यहाँ पे इम्पीडेंस जो आएगा क्या इम्पीडेंस इस एरिया में भी इम्पीडेंस सेम आएगा, नहीं। यहाँ वोल्टेज और करेंट, वोल्टेज अपॉन करेंट दोनों पॉजिटिव है बट यहाँ वोल्टेज अपॉन करेंट, किसी पॉइंट पर अगर इम्पीडेंस निकालें तो वोल्टेज अपॉन करेंट, तो वोल्टेज तो पॉजिटिव है बट करेंट निगेटिव है। सो ये पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देगा बट ये निगेटिव देगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये निगेटिव, डैट मीन्स सेम इम्पीडेंस नहीं आ रहा। सो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिलैटरल, ठीक है। अच्छा टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट क्या होगा, सो यहां पे देखो ये स्लोप है पॉजिटिव और जैसे ही ये ग्राफ ऐसे आया यहां तक तो लग रहा है जैसे कि टाइम इनवेरिएंट है, नहीं बदल रहा ग्राफ, पर यहां जैसे आया तो देखो ग्राफ इसका बदल गया, स्लोप चेंज हो गया, डैट मीन्स ये टाइम वेरिएंट एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये आपने एग्जांपल देख ही रखा है, ये लीनियर है क्या, इतने दूर का लीनियर है बट यहाँ देखो लीनियर ये यहाँ पे नहीं है, ऑरिजिन से तो ऑल टाइम के लिए पास कर रहा है बट ये लीनियर नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट मीन्स नॉन लीनियर। अच्छा एक्टिव या पैसिव, तो स्लोप चेक करो, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है जीरो डिग्री, और यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है 180 डिग्री, डैट मीन्स कि इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, वैरी कर रहा है, डैट मीन्स ये कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिलैटरल या बाइलैटरल, तो ये एग्जांपल मैंने करा रखा है, ये क्या होगा बाइलैटरल। तो देखो कोई भी एलिमेंट बाइलैटरल होगा तो जरूरी नहीं कि लीनियर भी हो, बट कोई भी एलिमेंट लीनियर है तो वो पक्का बाइलैटरल होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट, स्लोप चेंज हो रहा है ना, स्लोप चेंज हो रहा है तो ये आपका कहलाएगा टाइम वेरिएंट, ठीक है। चलो तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पे भी न्यूमेरिकल हो गया और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पे भी हमने न्यूमेरिकल देख लिया है ना। जो न्यूमेरिकल दोनों हमने देखा था ना वो भले ही मैंने लिखा नहीं था बट वो गेट का क्वेश्चन था, सोचो कितना आसान था। सो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल सही से पढ़ा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो है ना, कैसा भी वही अगर मैं लिख देता यहाँ पे ना कि गेट का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लग जाता है जैसे कि गेट का क्वेश्चन है भाई बहुत टफ होगा, बट मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको नहीं लगना चाहिए कि वो गेट का क्वेश्चन था, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाया था उसी पे, ठीक है। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस। तो चलो सोर्सेस के बारे में देखते हैं। सोर्सेस कहने का मतलब क्या होता है, देखो सोर्स ना एक होता है वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और एक होता है करंट सोर्स, पर वो आपको तो सिर्फ इतना पता है वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, पर उसके पहले एक और टर्म है जो कि है डिपेंडेंट सोर्स एंड इनडिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडिपेंडेंट सोर्स और फिर पढ़ेंगे डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। सो पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं।
किस तरीके से क्लासिफाई किया गया सोर्सेस को।